सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अगस्त माह से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। और ये क्लास RS प्री एग्जाम 2023 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और दोस्तों, इस क्लास में मैं कुछ आपको चुनिंदा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित भी रहेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन भी रहेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इस क्लास से एक क्वेश्चन आपके RS प्री एग्जाम 2023 में पक्का आने वाला है। हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जैसे हम बात करेंगे रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 किस भारतीय को मिला, और जो मुख्यमंत्री ने हाल ही में 13 शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा की, उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारम्भ हुआ, राजस्थान का 11वां नगर निगम कौन सा है, और 9th जो आपका CPA जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन राजस्थान में पहली बार हुआ, कहाँ पे हुआ। इसके अलावा जो मिस राजस्थान 2023 है वो किसने जीता, मारवाड़ रत्न पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया, इन सभी क्वेश्चनों पे बात करने वाले हैं। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में रहने वाले हैं, और एक क्वेश्चन यहाँ से RS प्री एग्जाम 2023 में पक्का आने वाला है। तो जल्दी से बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आपके RS प्री एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा की है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 13, यानी 13 शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा की गई है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, और याद रखिएगा दोस्तों, 13 जो ग्रीन लंग्स विकसित किए जाएंगे उनके लिए कितने करोड़ रुपए, तो 19 करोड़ रुपए, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं, एक नज़र देख लेते हैं कि वह 13 कौन कौन से ग्रीन लंग्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला है अलवर का मंगूस का, उसके बाद में चूरू में बनेगा राजगढ़, चित्तौड़गढ़ में बनेगा मंगलवाड़, राजसमंद का नाथद्वारा और गणेश टेकरी, इसके अलावा उदयपुर का रिसाला क्षेत्र, यहाँ पे ग्रीन लंग्स हैं वो विकसित किए जाएंगे। यानी ये 6 क्षेत्र हैं जहाँ पे 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, यानी 12 करोड़ हो गए। उसके बाद में देखिएगा, जो 7 ऐसे शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित किए जाएंगे जिनको 1-1 करोड़ रुपए का रुपये दिए जाएंगे, जिनमें 12 की खेटखेड़ी, बांसवाड़ा में श्यामपुरा, चित्तौड़गढ़ का किला, दौसा में नीलकंठ महादेव मंदिर, जयपुर का कानोता बांध, और राजसमंद में बांद्रिया मगरा और टोंक का कच्चा बांध, इन क्षेत्रों को भी ग्रीन लंग्स के रूप में विकसित किया जाएगा। ये 7 क्षेत्र हैं, इनको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा, जबकि ये जो 6 क्षेत्र हैं जिनको 2-2 करोड़, यानी 12 करोड़ और ये 7 करोड़, तो टोटल हो गए 19 करोड़, ठीक है, याद रखिएगा। और इनको देख लेना, और कच्चा बांध याद रखना, ऐसे पूछा जा सकता है कि कच्चा बांध किस जिले में, तो ये टोंक जिले में है, ठीक है। इसके अलावा कानोता बांध, ये भी प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट है, कानोता बांध जयपुर में है। तो पहला क्वेश्चन हमने देख लिया, अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिएगा, ग्रीन लंग्स परियोजना 2023 राजस्थान में किया जाएगा वन क्षेत्रों का विकास, यानी वन क्षेत्रों का विकास करने के लिए राजस्थान के 13 शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित किए जाएंगे और 19 करोड़ रुपए की लागत से, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा कि वीमेन लीडर फोरम ग्लोबल एम्पायर इवेंट्स और आइकन ऑफ एशिया द्वारा राजस्थान की किस महिला को वीमेन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, ये किया गया है मोनिका व्यास पारिक को, ये दोस्तों हनुमानगढ़ जिले की रहने वाली है राजस्थान के, और इनके द्वारा दोस्तों बिजनेस क्षेत्र में, यानी इन्होंने अपना स्टार्टअप खड़ा किया, इस कारण इनको ये पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों, इनकी कंपनी है, उनका नाम याद रखिएगा, हार्ट क्राफ्ट फैशंस, ये इस कंपनी की संस्थापक और CEO हैं, और ये इनकी फ़ोटो है, और इनको ये अवार्ड दिया गया वीमेन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार, ठीक है, ये है मोनिका व्यास पारिक, तो याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन, ओडिशा में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप की जो राजस्थान की टीम थी उसकी कप्तान कौन थी, कुशी नागदा, ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि कुशी नागदा का संबंध किस खेल से है, तो इनका खेल है हॉकी, और ये किस जिले की रहने वाली है, तो राजसमंद, क्योंकि नागदा आपको नाम में ही पता चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन देखिएगा, आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि कनाडा के विनीपेग में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में राजस्थान पुलिस के खिलाड़ी अजय सिंह डागर ने कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने जीता स्वर्ण पदक, और इनका खेल कौन सा है, तो याद रखिएगा तैराकी, और ये किस जिले के रहने वाले हैं,
तो ये सीकर जिले के रहने वाले हैं। तो याद रखिएगा, अजय सिंह डागर इनका खेल है तैराकी, और किस जिले के रहने वाले हैं, सीकर के। और इन्होंने हाल ही में जो कनाडा के विनीपेग में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 हुए, उसमें स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और विनीपेग आपको बताइए विश्व की गेहूँ मंडी के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करें, ये देखिएगा, ये हैं आपके अजय सिंह डागर जो कि राजस्थान पुलिस के हैं, और इन्होंने तैराकी में, इसके इनके पीछे देखिएगा आप, पानी आपको नजर आ रहा है, तो तैराकी इनका खेल है और ये सीकर जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, इसी प्रकार याद रखिएगा, झुंझुनू के देशराज घायल हैं, इनका खेल है कुश्ती और इन्होंने भी इस गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो झुंझुनू के देशराज घायल, इनका खेल है कुश्ती, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है, जबकि सीकर के अजय सिंह डागर ने तैराकी में स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि राज्य स्तरीय जूनियर शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया, यानी राज्य स्तरीय जूनियर शतरंज जो प्रतियोगिता हुई इसका आयोजन किया गया उदयपुर में। और दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि बालक वर्ग में और बालिका वर्ग में किस किस ने ये प्रतियोगिता जीती। तो यहाँ पे बात करते हैं, बालक वर्ग में वर्षांक चौहान, इन्होंने जीती, जबकि बालिका वर्ग में बात करें तो दक्षिता कुमावत ने ये चैंपियनशिप या प्रतियोगिता जीती। यहाँ पे विशांक चौहान की फोटो आप देख लीजिएगा, ये विशांक चौहान है, इन्होंने ये प्रतियोगिता जीती, जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ, राज्य स्तरीय जूनियर शतरंज जो प्रतियोगिता हुई कहाँ पे हुई, उदयपुर में, और बालक वर्ग में ये विशांक चौहान है, इन्होंने जीती, जबकि बालिका वर्ग में दक्षिता कुमावत ने जीती। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किन पैनोरमा बनाने की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, किन पैनोरमाओं को बनाने की वित्तीय स्वीकृति है वो प्रदान की है। तो ऑप्शन आपके सामने, पाली के देसूरी में बिकाजी सोलंकी की पैनोरमा, बाड़मेर के जालीपा में ईश्वरदास की पैनोरमा, उसके बाद में शाहपुरा में रामचरण जी की पैनोरमा। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, पाली में जो पैनोरमा बनेगी देसूरी में बिकाजी सोलंकी की, इसके लिए 3 करोड़ रुपये, बाड़मेर के जालीपा में जो ईश्वरदास की पैनोरमा बनेगी उसके लिए भी 3 करोड़, जबकि शाहपुरा में जो रामचरण जी की पैनोरमा बनेगी उसके लिए 4 करोड़ रुपए। ठीक है, तो टोटल बात करें 10 करोड़ रुपए तीन पैनोरमा के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सातवां क्वेश्चन कि 5 अगस्त 2023 को राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो ये दोस्तों 5 अगस्त को किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो अशोक गहलोत के द्वारा, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। कहाँ से किया गया ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, 5 अगस्त को। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये शहरी और ग्रामीण ओलंपिक 2023 हुआ, इसमें टोटल बात करें 58.51 लाख रजिस्ट्रेशन हुए, यानी इतने खिलाड़ियों ने इस अब की बार का जो ओलंपिक है इसमें भाग लिया। ठीक है, ये अभी भी चल रहे हैं, तो यहाँ पे 58.51 लाख जो खिलाड़ी हैं इन्होंने इस प्रतियोगिता में अब की बार भाग लिया। और बात करें टोटल ग्राम पंचायत की बात करें तो 11,252, जबकि नगर निकायों की बात करें तो 538 नगर निकाय, जबकि 11,252 ग्राम पंचायतों ने इस ग्रामीण व शहरी ओलंपिक में भाग लिया। ये भी आपको याद रखना है, और यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 अगस्त को इसका उद्घाटन किया गया अशोक गहलोत जी के द्वारा। और यहाँ पे इस दोनों अब की बार जो ग्रामीण और शहरी ओलंपिक है इन दोनों में जो खेल है वो साथ साथ हैं, और ये खेल आप देख लेना इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपके आर एस प्री एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दोस्तों याद रखिएगा, 5 खेल तो सेम है जबकि 2 खेल है वो भिन्न है। जैसे बात करें शहरी में, तो शहरी में टेनिस बॉल क्रिकेट है, उसके बाद कबड्डी है, खो खो है, ये बालिका वर्ग में है। ठीक है, उसके बाद वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, फुटबॉल बालक वर्ग का है, बालिका नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा जो बालिका और बालक वर्ग से संबंधित है, जैसे शहरी ओलंपिक में खो खो है वो बालिका वर्ग में है, जबकि ग्रामीण ओलंपिक में खो खो है ये भी बालिका वर्ग की है। ठीक है, उसके बाद में शहरी जो फुटबॉल है वो केवल बालक के लिए है, जबकि ग्रामीण में जो फुटबॉल खेल होगा वो बालक व बालिका दोनों के लिए है। अब हम बात कर लेते हैं कौन से खेल अलग हैं, तो यहाँ पे बास्केटबॉल और एथलेटिक्स ये तो शहरी क्षेत्रों में है जो कि ग्रामीण ओलंपिक में नहीं है,
उसके बाद ग्रामीण में बात करें तो रस्सा कसी है जो बालिका वर्ग के लिए, और एक है शूटिंग बॉल, ये बालक वर्ग के लिए। ये दोनों खेल भिन्न है, यानी जो रस्सा कसी और शूटिंग बॉल है ये तो शहरी ओलंपिक में नहीं है, जबकि बात करें बास्केटबॉल और एथलेटिक्स ये ग्रामीण ओलंपिक में नहीं है, जबकि ये कहाँ पे शहरी ओलंपिक में है। तो ये खेल आप देख लेना एक बार, स्क्रीन शॉट ले लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बात करें जो ग्रामीण ओलंपिक में रस्सा कसी खेल अब की बार जोड़ा गया है और हॉकी को निकाला गया है, ठीक है। हॉकी पिछली बार था, अब की बार नहीं है। तो यहाँ पे रस्सा कसी है वो बालिका वर्ग है, ठीक है। खो खो है ये भी बालिका वर्ग है, जबकि शूटिंग बॉल बालक वर्ग है। और यहाँ पे शहरी ओलंपिक में फुटबॉल है वो बालक वर्ग है, और खो खो है वो बालिका वर्ग है, ठीक है। और जो पाँच खेल है वो सेम है। अब हम बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1 अगस्त 2023 को राजस्थान का 11वां नगर निगम किसे बनाया गया। ऑप्शन आपके सामने है भीलवाड़ा, ब्यावर, अलवर, अनूपगढ़। तो बनाया गया अलवर को, अलवर को 11वां नगर निगम बनाया गया 1 अगस्त 2023 को। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो हमारा नगर पालिका एक्ट है 2009 का, उसके तहत किस धारा का प्रयोग करते हुए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था ना कि RS प्री एग्जाम 2023 में इस क्लास से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो इस क्वेश्चन की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 329, इसके अलावा एक सेपरेट धारा है 337, इन दोनों धारा के अंतर्गत जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग करते हुए नगर परिषद अलवर थी, इसको नगर निगम बनाया गया है, ठीक है। पहले अलवर जिला क्या था, नगर परिषद थी, इसको अब कर्मोन्नत करके नगर निगम बनाया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 11वां नगर निगम है। उसके बाद बात करते हैं 9वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने नेशनल हैंडलूम सप्ताह आयोजन के तहत किसे राज्य स्तरीय प्रथम बुनकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रुमा देवी, गायत्री देवी, बसंती देवी या फिर कोमल सिद्ध। तो दोस्तों याद रखिएगा बसंती देवी, बसंती देवी को राज्य स्तरीय प्रथम बुनकर पुरस्कार दिया गया, ठीक है। उसके बाद में गायत्री देवी बात करें तो इनको जल शक्ति योद्धा पुरस्कार दिया गया था द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, ठीक है। जयपुर की रहने वाली है, लापोड़िया की। तो गायत्री देवी जो यादव है, इनको जो जल योद्धा है वो पुरस्कार द्रौपदी जी मुर्मू के द्वारा दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं वसंती देवी, तो इनको राज्य स्तरीय प्रथम बुनकर पुरस्कार दिया गया। और यहाँ पे ये चित्र मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, ये देखिए ये है वसंती देवी आपकी, इनको राज्य स्तरीय प्रथम बुनकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और बात करते हैं कि ये किस जिले की रहने वाली है, तो ये दोस्तों नागौर जिले के टांकला गाँव की रहने वाली है, और टांकला गाँव आप सभी को पता है दरी निर्माण के लिए फेमस है। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा कि राजस्थान सरकार ने बंसावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी का नाम बदलकर क्या रखा है। विजयदान देता अकादमी, वंश लेखक अकादमी, प्राचीन संग्रहालय अकादमी, या फिर बात करें कोमल कोठारी अकादमी। तो याद रखिएगा यहाँ पे बंसावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी, इसका नया नाम याद रखिएगा वंश लेखक अकादमी, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि जो ये बंसावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी था, इसका नाम अभी हाल ही में वंश लेखक अकादमी किया गया है, तो इसकी स्थापना कब की गई, तो अगस्त 2017 में। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से जो यूरिया गोल्ड है, जो कि यूरिया की एक नई किस्म है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि 27 जुलाई को जब सिक्कर का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इनके द्वारा की गई थी, जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय तिवरी जोधपुर में स्थापना की गई थी, उद्घाटन किया गया था। इसके अलावा 6 जो आवासीय एकलव्य आवासीय जो आदर्श मॉडल विद्यालय हैं उनकी उद्घाटन किया गया। इसके अलावा 5 चिकित्सा विद्यालयों का उद्घाटन, 7 जो चिकित्सा विद्यालय थे उनकी आधारशिला रखी गई थी। तो ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, जुलाई माह का करंट अफेयर, वो देख लेना आप, वीडियो इंपॉर्टेंट है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे देखिएगा, हाल ही में जो यूरिया गोल्ड नामक एक नई किस्म है, और ये दोस्तों जो यूरिया गोल्ड है ये यूरिया की एक नई किस्म है, और ये सल्फर कोटेड यूरिया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहले जो यूरिया थी वो नीम लेपित यूरिया थी, अब की बार जो ये यूरिया गोल्ड है ये सल्फर कोटेड या सल्फर लेपित यूरिया है। इसके द्वारा, किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो आप सभी को पता है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कब की गई, तो 27 जुलाई को जब ये शिखर दौरे पे आए हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे ये देखिएगा यूरिया गोल्ड सल्फर कोटेड यूरिया, ये याद रखिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। मैंने आपको दो क्वेश्चन बताए, एक वो नगर निगम वाला और ये एक अभी बता रहा हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ORS प्री एग्जाम 2023 में पक्का संभावना बनती है कि पूछा जाएगा कि राजस्थान की शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए 200 मिलियन यूएस डॉलर की सहायता किस संस्था द्वारा दी जाएगी या किस संस्था द्वारा प्रदान की जाएगी। ऑप्शन आपके सामने है, नाबार्ड, ADB, विश्व बैंक या फिर रिजर्व बैंक। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, इसके द्वारा ये 200 मिलियन यूएस डॉलर की सहायता दी जाएगी किसके लिए। तो राजस्थान के जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें सेवाओं का विस्तार करने के लिए। अब सेवाएं कौन सी हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा, जलापूर्ति और स्वच्छता सेवाओं का विस्तार करने हेतु 200 मिलियन यूएस डॉलर की सहायता एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दी जाएगी। और यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो समझौता हुआ है, MOU जिसे हम बोलते हैं, ये हुआ है, ये किसके मध्य हुआ है, तो ये याद रखिएगा, केंद्र सरकार और आपके ADB के मध्य हुआ है। आपको ये नहीं करना है कि राज्य सरकार हमारी राजस्थान के द्वारा हुआ है, नहीं, ये केंद्र सरकार और ADB के मध्य MOU है और ADB ने कहा कि हम राजस्थान की जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें जलापूर्ति और स्वच्छता सेवाओं का विस्तार करने हेतु हम कितने रुपये देंगे, तो 200 मिलियन यूएस डॉलर देंगे, ठीक है। और आपको याद रखना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मनीला में, और ये किसकी राजधानी है, फिलीपींस की, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, और ADB की स्थापना कब हुई, तो 1966 में, और इसका मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में, और हाल ही में 200 मिलियन डॉलर का एक एग्रीमेंट हुआ है किसके मध्य, तो केंद्र सरकार और ADB के मध्य। ये देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन कि 21 से 22 अगस्त 2023 तक राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन राजस्थान में पहली बार कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया उदयपुर में, और दोस्तों इसकी अध्यक्षता ओम बिरला जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं उनके द्वारा की गई। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, उदयपुर में ये सम्मेलन हुआ और ये राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 9वां सम्मेलन था, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, और ये राजस्थान में पहली बार हुआ, और ये कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ उदयपुर में, और इसकी अध्यक्षता की गई हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा। और यहाँ पे आपको अशोक गहलोत जी भी दिख रहे हैं, ये राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको CP जोशी भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये और भी यहाँ पे कई बड़े नेता आए थे इस कॉमनवेल्थ जो आपका संसदीय पार्लियामेंट जो संघ का सम्मेलन हुआ था इंडिया में, ठीक है, 9वां सम्मेलन था, याद रखिएगा, उदयपुर में हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान की किस योजना को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में गोल्ड अवार्ड मिला है, तो ये याद रखिएगा, जन आधार योजना को, ठीक है। हाल ही में दोस्तों गोवा में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, ये देखिए, जिसका नाम था इकोनॉमिक टाइम्स गवर्नमेंट डिजिटेक कॉन्केव, ठीक है, ये कहाँ पे हुआ, तो गोवा में हुआ, और उसके तहत दोस्तों हमारी जो जन आधार योजना है इसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर इसके तहत गोल्डन अवार्ड दिया गया। तो अब आपसे पूछा जा सकता है जन आधार योजना के बारे में, या फिर ये जो अभी क्वेश्चन करवाया ये भी पूछा जा सकता है। तो बात कर लेते हैं, जन आधार योजना का शुभारंभ कब हुआ, तो 18 दिसंबर 2009, और दोस्तों याद रखिएगा, सॉरी 2019, और ये जो आपकी राजस्थान जन आधार योजना है ये आपके आयोजना विभाग की फ्लैगशिप योजना है, इस कारण ये दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। और इनको हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स गवर्नमेंट डिजिटेक जो कॉन्क्लेव हुआ कहाँ पे, गोवा में, और इसमें इसको अवार्ड दिया गया गोल्डन अवार्ड। तो याद रखिएगा, जन आधार योजना का शुभारंभ कब हुआ, तो 18 दिसंबर 2019, और ये आपकी एक फ्लैगशिप योजना है किसकी, आयोजना विभाग की। तो ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पे अवार्ड हाथ में इनके, और ये फोटो है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 15वां क्वेश्चन कि 22वें मारवाड़ रत्न समारोह में मारवाड़ रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये किया गया दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया को, ठीक है, जो कि बांसुरी वादक हैं, इनको ये 22वां मारवाड़ रत्न पुरस्कार दिया गया,
और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। और याद रखिएगा, हरिप्रसाद चौरसिया को 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारत का दूसरा बड़ा सर्वोच्च सम्मान है, नागरिक सर्वोच्च सम्मान है, भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण। तो इनको कब सम्मानित किया गया पद्म विभूषण से, तो 2000 में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और हाल ही में इनको 22वें मारवाड़ रत्न समारोह में मारवाड़ रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ पे कलराज मिश्र जी के द्वारा इनको ये मारवाड़ रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है, और ये आपके हैं हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है, बांसुरी वादक हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया। तो यहाँ पे याद रखिएगा, वैष्णवी शर्मा जो कि जयपुर के, इनके द्वारा मिस राजस्थान 2023 का खिताब जीता गया। जबकि आकांक्षा चौधरी की बात करें तो ये फर्स्ट रनर अप रही, ठीक है, फर्स्ट रनर अप, ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो मिस राजस्थान 2022 हुआ ये किसने जीता, तो ये मिस तरुणसी रॉय ने, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 2022 वाला तरुणसी रॉय ने जीता, जबकि 2023 वाला वैष्णवी शर्मा जयपुर के द्वारा जीता गया। और ये आपके सामने फोटो है, ठीक है, ये है वैष्णवी शर्मा, कहाँ के रहने वाली है, जयपुर की, ठीक है। तो याद रखिएगा मिस राजस्थान 2023, ये आपको पीछे दिख रहा है, तो याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा, ये हमारे राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन है कि हाल ही में उद्यम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो याद रखिएगा, जो बैंकों में लावारिस जमा है इसकी जानकारी एक ही पोर्टल पर देने हेतु हमारे RBI के द्वारा यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा उद्यम पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया है। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि सीतापुरा जयपुर में 19 अगस्त 2023 को सखी सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसके तहत किन योजनाओं को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, चार योजना जो आपको दिख रही है इनका लॉन्च किया गया। एक तो है समर्थ सखी योजना, दूसरी है इंदिरा रसोई योजना, ठीक है, इनका ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार किया गया, और उसके बाद में एकीकृत खेती क्लस्टर कार्यक्रम और डिजिटल सखी योजना, ये सारी योजनाएं हैं वो इस सखी सम्मेलन जो कि कब हुआ, 19 अगस्त 2023 को, और इसकी अध्यक्षता किसने की, तो हमारे CM साहब अशोक गहलोत जी के द्वारा यानी इसकी अध्यक्षता की गई, ठीक है, याद रखिएगा। और अभी जो मैंने आपको बताया कि इसके तहत चार योजनाएं हैं, उनमें एक योजना थी इंदिरा रसोई योजना जो कि ग्रामीण योजना थी। इस ग्रामीण योजना के तहत दोस्तों जो आधार रसोइयाँ हैं उनका संचालन या प्रबंधन राजविका स्वयं सहायता समूह के द्वारा किया जाएगा। तो ये आपसे पूछा जाएगा, यानी 2023-24 का जो बजट आया था इसमें दोस्तों बात की गई थी 2000 इंदिरा रसोई, जिसमें से जार जो इंदिरा रसोई है वो शहरी क्षेत्रों में, जबकि जार जो इंदिरा रसोई है वो ग्रामीण क्षेत्रों में। तो जो ग्रामीण क्षेत्र की इंदिरा रसोई योजना है इसका जो प्रबंधन और संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, तो राजविका का जो स्वयं सहायता समूह है उसके द्वारा किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो सखी सम्मेलन है, ये आपको फोटो नज़र आ रही है, इसका आयोजन किसके द्वारा करवाया गया, तो ये करवाया गया ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा और ये राजविका के द्वारा यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परिषद के द्वारा, तो याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा कि किसानों को स्वच्छ ऊर्जा समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार की एक पहल है PM कुसुम योजना, जिसका पूर्ण स्वरूप क्या है, यानी आपसे PM ये जो कुसुम योजना है इसमें ये जो कुसुम शब्द है इसकी फुल फॉर्म या पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है। तो इसका याद रखिएगा, कैसे बन जाएगा किसान, यू से ऊर्जा, अस से बन जाएगा सुरक्षा, और बाद में बन जाएगा उत्थान महाअभियान, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है, ये दो ऑप्शन में आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये आपका राइट हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान ये PM कुसुम योजना का पूर्ण रूप है। तो याद रखिएगा, हमने बहुत बार योजना पढ़ी है PM कुसुम योजना, और इसके तहत हमारे राजस्थान में पहला जो संयंत्र है भालोजी में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि ये कुसुम है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है। और बात कर लेते हैं कि ये योजना कब स्टार्ट की गई, तो ये
8 मार्च 2019 को स्टार्ट की गई और अभी हाल ही में दोस्तों ये योजना क्यों चर्चा में है तो इसको बढ़ाया गया है, इसकी अवधि को बढ़ाया गया है 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उद्यम महाअभियान, ठीक है स्कीम, ये देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। उसके बाद बात करते हैं 20वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि डॉक्टर आर रवि कन्नन को रेमन मैक्सेस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, वह किस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं। तो याद रखिएगा जो आर रवि कन्नन हैं इनको हाल ही में रेमन मैक्सेस पुरस्कार दिया गया है, रेमन मैक्सेस पुरस्कार जिसकी शुरुआत दोस्तों 1957 में की गई थी, याद रखिएगा। और हाल ही में ये 2023 का आर रवि कन्नन जो हमारे भारतीय हैं इनको दिया गया है। और ये क्या है तो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर से संबंधित ये सर्जिकल हैं, ठीक है। और बात करते हैं इनके द्वारा ईमानदारी से असम में जो गरीब थे उनकी कैंसर रोग से संबंधित इनके द्वारा देखभाल की गई, इसके लिए इनके द्वारा जो भी जो योगदान दिया गया इसलिए इनको ये रेमन मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहे हैं रवि कानन आर, ठीक है, इनको ये रेमन मैक्सेस पुरस्कार दिया गया और ये कैंसर केयर के लिए यानी कैंसर जो रोग है उसमें जो रोगी हैं उनकी देखभाल हेतु ईमानदारी से इनके द्वारा किया गया तो इसके योगदान के लिए इन पुरस्कार दिया गया। ये दोस्तों थी आज की हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जिसके अंतर्गत हमने अगस्त माह के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखे और ये दोस्तों इसका पार्ट फर्स्ट है, सेकंड पार्ट जल्दी आने वाला है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए और ये क्लास का आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल उत्कर्ष स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो आरएस प्री यानी आरएस बनने का सपना लिए हुए हैं उनको भी शेयर कर देना क्योंकि उनके लिए क्लास मददगार साबित हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।